हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मैजिकल और एक नेचुरल रेमेडी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मेथी दाने के यूज के दो ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आपके बाल रैपिडली ग्रो करेंगे और साथ ही आपके बालों का झड़ना तुरंत ही बंद हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने के बारे में बताऊंगी कि मेथी दाने को आप किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं और अपने बालों को काला, लंबा, घना और जड़ से मजबूत कैसे बना सकते हैं। आपको किसी भी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप अपने बालों को सिल्की, शाइनिंग और घना बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप दो तरीके से बना सकते हैं। इस रेमेडी को मैं दो तरीके से यूज करके बताऊंगी आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर पर इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी कम समय में। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने केवल दो चीजों का इस्तेमाल किया है, वो भी आपको घर पर, अपने ही घर पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मैजिकल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मैजिकल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी और या फिर आपके घर पर, आपको अपने किचन में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मेथी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन और ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे पतले और छोटे बाल जल्दी से लंबे और घने हो जाते हैं, साथ ही आपके बालों को झड़ना रोक देते हैं। फ्रेंड्स, मेथी दाना एक ऐसी चीज है जिससे हमारे झड़ते हुए बाल तुरंत रुक जाते हैं। फ्रेंड्स, मेथी दाने में नोरोटेरिक एसिड होता है जिससे हमारे बाल दुगनी तेजी से बड़े होते हैं, साथ ही उनको सिल्की, शाइनिंग और मजबूत भी बनाते हैं। इससे आपके बालों में चमक आएगी, काले और घने भी हो जाएंगे और साथ ही दोमुंह बालों की समस्या को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। आज मैं आपको मेथी दाने का सही तरीके से यूज करना बताऊंगी, आपको किस तरीके से मेथी दाने को यूज कर सकते हैं। मैं आज आपको इसके दो तरीके बताऊंगी, तो चलिए जानते हैं पहले तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मेथी दाना लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब इसमें डालना है आपको वाटर यानी कि पानी। इसको इतना डालना है जितना आपको पूरा ये डूब जाए अच्छे से। आपको इसको अपनी बालों के अकॉर्डिंग यानी कि अपने बालों की अकॉर्डिंग आपको लेना है। अगर आपके बाल कम है तो आप केवल 2 चम्मच का यूज करें और अगर आपके बाल ज्यादा है तो आप इसके 4 से 5 चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये रात में भिगोने के बाद में ये डबल हो जाती है, इसकी मात्रा जो है दुगनी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से भिगोने के बाद में इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे आपको ये इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके जो दाने होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। रात भर भिगोने के बाद में इस पानी में मेथी दाने के सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। अब इसे चम्मच से या अपने हाथों से इस तरीके से मसल लेना है ताकि जितनी भी मेथी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हमारे पानी में आ जाए और हमारा एक मैजिकल रेमेडी बनकर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दबा के आप देख सकते हैं वीडियो में, इस वाटर को, इस मेथी के पानी को इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको स्ट्रेन करने के बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा मेथी का पानी जो है वो निकल कर आ गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस बचे हुए मेथी दाने का यूज करके भी बताऊंगी, इसको आपको फेंकना नहीं है। अब इसके बाद में आपको इसमें मिलाना है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि हमारे बालों की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, साथ ही आपके बालों को झड़ना बंद कर देता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बालों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के उनको नए बाल उगाने में हेल्प करता है, साथ ही आपके बालों को लंबा, घना और काला भी बनाता है। यहाँ पर आपको 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिलाना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरीके से कैस्टर ऑयल, मेथी दाना मिलकर ये एक हमारा मैजिकल रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है, जो कि हमारे बालों पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। ये आपके बालों को रैपिडली ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है, साथ ही आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाती है। फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से।
ये हमारी अब मैजिकल रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको बता दें आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मेथी दाने के पानी से अपने बालों को अच्छे से धोना है, अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से लगाना है। इसको वीक में आपको 2 से 3 बार यूज करना है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बढ़ने लगेगी, साथ ही आपके बालों का झड़ना तुरंत ही बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक अपने बालों पर लगा के रखें, ताकि आपके बालों पर अच्छे से वर्क कर सके और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। उसके बाद में आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करना है, तो आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों में इतनी शाइन और चमक दिखेगी कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। आपको अपने बालों में फर्क देखने को मिल जाएगा, इसके आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा मेथी दाना बचा हुआ था उसके यूज के बारे में। ये इस रेमेडी का दूसरा प्रोसेस है। फ्रेंड्स, इसको प्लीज ध्यान से एंड तक देखिए, ये काफी अच्छी और बेहतरीन रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बचे हुए मेथी दाने का एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में बना लेना है। फ्रेंड्स, आपको इसको मिक्सी की हेल्प से इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है, जिससे कि हमारे बालों पर अच्छे से लग जाए। अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको आपको एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक मेथी दाने का एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसको किसी खाली बाउल में इसको आपको निकाल लेना है। अब इसमें आपको मिलाना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों को लंबा, घना और काला बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, साथ ही आपके बालों को सिल्की और शाइनिंग भी बनाता है। यहाँ पर आपको 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है और इसमें मिलाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मैजिकल हेयर मास्क बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी उंगलियों की हेल्प से अपने बालों की जड़ों पर यानी कि स्केल पर अच्छे से लगा लेना है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको अपने बालों पर लगा के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसको आपको अपनी बालों की जड़ों पर और अपने सारे बालों पर अच्छे से एक मास्क की तरह लगा लेना है। जब ये अच्छे से लग जाए तो आपको इसे 30 से 40 मिनट तक अपने बालों पर ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है। जब ये सूख जाए तो आपको इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप किसी माइल्ड शैम्पू से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार में इन दोनों प्रोसेस को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पहले आपको हेयर मास्क लगाया, उसके बाद में आपको नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लेना है। उसके बाद जो हमने मेथी का पानी रेडी किया था उससे भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। ये दोनों ही रेमेडी आपके बालों पर एक मैजिक की तरह वर्क करेंगी। ये प्रोसेस आपको वीक में 2 बार करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 2 से 3 वीक के यूज से ही आपको अपने बालों पर फर्क देखने को मिल जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, साथ ही आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और आपके बाल जो है जड़ से मजबूत हो जाएंगे। बालों का टूटना बंद हो जाएगा, साथ ही आपके बालों को सिल्की, शाइनिंग और स्मूथ भी बनाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इसका यूज करिए और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें। इस रेमेडी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस रेमेडी का फायदा उठा सकें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसी घरेलू रेमेडीज लाती रहूंगी जो कि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली होंगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नेचुरल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।